हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी से पार्ट 16। पार्ट 15 तक मैंने पहले ही दिया हुआ है, तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये लिंक नहीं दिख रहा है या फिर आप मोबाइल पे हैं, तो आपको यहाँ कॉर्नर में लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 16। चलिए, पहला वर्ड यहाँ पे क्या है? पहला वर्ड है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग और स्पीकिंग इन सच अ वे एज टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस। मतलब अगर देखा जाए तो जब आप बहुत ही विवेकपूर्वक बिहेव करें या बात करें इस लिहाज से कि आपकी जो बात है कही गई वो किसी को ऑफेंड ना करे, मतलब किसी को बुरी ना लगे, ना तो आपके लिए कोई ट्रबल पैदा हो उससे, या तो फिर आपको ये ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो गुप्त रहने वाली जानकारी है उसको उजागर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह सोच समझ के जब आप ऐसा कुछ व्यवहार या ऐसा या फिर ऐसे बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रिशन। कुछ शब्दों में डिस्क्रिशन का यूज़ किया जाता है कि स्वतंत्रता के लिए भी किया जाता है, मतलब आपको किसी काम को करने की अगर स्वतंत्रता दी जाती है तो उस शब्द उस परिप्रेक्ष्य में भी कभी कभी इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ हिंदी में इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? विवेक, ठीक है। काम करने की स्वतंत्रता के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको फिर से बता दिया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही ऑलवेज यूजेस केयर एंड डिस्क्रिशन वेन डीलिंग विथ अदर्स। मतलब कि जब भी वो किसी दूसरे के साथ रहता है, कोई काम करता है, कोई बात करता है, तो वो केयर के साथ साथ डिस्क्रिशन भी हमेशा यूज़ करता है, मतलब बहुत ही विवेकपूर्वक भाषा का या विवेकपूर्वक व्यवहार का वो परिचय देता है, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी बात जो बाहर निकल के ना आए जिससे दूसरे को कोई खराबी हो, ठीक है, नुकसान पहुँचे। और यहाँ पर देखिए इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? केयर, केयरफुलनेस, कॉशन या वरीनेस, ठीक है। तो ये इसके क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? इनडिस्क्रिशन या रैशनेस, ठीक है। इनडिस्क्रिशन या रैशनेस के क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स, मतलब जब आप बिना कुछ सोचे समझे व्यवहार करें या किसी को इस तरीके से बोलें कि उसे कुछ खराब लग जाए, ठीक है, तो इन सब के लिए क्या यूज़ करेंगे? इनडिस्क्रिशन या रैशनेस। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, दो लोग हैं, एक दूसरे को चुप रहने का इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो जान रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं करनी है जिससे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो, या फिर किसी के प्रति आप अगर कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि जो किसी को ऑफेंड करने वाला हो, तो इसलिए उनको शांत रहने का यहाँ पे इशारा किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये क्या है? इंसेंटिवाइज। यहाँ पे मैंने ये वर्ड क्लोज टेस्ट के पार्ट टू में भी आपको बताया था। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या होता है? मोटिवेट या इनकरेज करना, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। अगर आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं इसका मतलब क्या है? इंसेंटिवाइज करते हैं। जैसा यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वही सेंटेंस लिया हुआ है मैंने अपने पैराग्राफ से क्लोज टेस्ट के, द गवर्नमेंट विल सेट अप अ कमिटी टू सजेस्ट वेज टू इंसेंटिवाइज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। की गवर्नमेंट जो है एक कमेटी बनाएगी जो इस तरह के तरीकों को सुझाएगी जो कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, मतलब उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे, मतलब प्रोत्साहित करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए चित्र में जैसे दिखाया गया है कि ये आपका बिजनेस है, मान लीजिए ये इसके एम्प्लॉई हैं और ये इसके आपके फाउंडर हो गए हैं, तो ये जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, कुछ ना कुछ दिखा के, कोई गिफ्ट बता के, कोई नए नए पैकेज बता करके, जिससे लोग क्या होते हैं कि बिजनेस को देखिए खींच रहे हैं, यही इनका काम है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। तो ये इनको क्या कर रहे हैं? और इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं ताकि ये आगे बढ़ते रहें जिससे बिजनेस भी इनका ग्रो होता रहे। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड लिखा ऑबिविएट। ऑबिविएट का मतलब क्या होता है? रिमूव अ नीड और डिफ़िकल्टी, मतलब किसी ज़रूरत से, किसी आवश्यकता से या फिर किसी परेशानी से छुटकारा पा जाना या दूरी बना लेना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं शब्द किसका? ऑबिविएट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑबिविएट्स द नीड फॉर सर्जरी, कि मतलब जो नया मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया है उसकी वजह से अब सर्जरी की नीड नहीं होगी, मतलब उसने सर्जरी जो पहले होती थी किसी भी बीमारी के लिए, उसे ठीक करने के लिए, किसी भी चीज़ का इलाज करने के लिए, तो अब वो नए मेडिकल ट्रीटमेंट से ही हो जाएंगे, मतलब दवाइयों के द्वारा ही वो आपकी सही हो जाएगी, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस ट्रीटमेंट ने सर्जरी को क्या कर दिया? दूर कर दिया या उसे छुटकारा दिला दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके प्रीक्लूड, प्रिवेंट, रिमूव, गेट रिड ऑफ,
डू अवे विथ, ये सब इसके क्या होते हैं, हो सकते हैं सिनोनिम्स हो सकते हैं। सबका मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना या दूरी बनाना, ठीक है, मतलब हमेशा के लिए ही दूर हो जाना, इस तरीके सारे इसके मतलब निकल के आते हैं। एंटोनिम्स देखिए इसके क्या हो सकते हैं, सपोर्ट, ऐड, अलाउ, इनकरेज, मतलब जैसे हमने देखा छुटकारा पाना या दूरी बनाना, तो वैसे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना, मतलब दूरी नहीं बनाना बल्कि और सपोर्ट करना, कोई सहायता उपलब्ध कराना, अलाउ करना या फिर इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है, चित्र में देख के आई होप आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे चित्र में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक अब लेडी है, इनके हाथ में एक तरफ क्या है, एक टैबलेट है, किंडल जिसे हम वैसे यूजली कहते हैं, और एक तरफ क्या है, बुक्स हैं। मतलब क्या है कि इस डिवाइस के आ जाने से जो बुक्स की नीड है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब आपको 10 बुक्स, 50 बुक्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उन्हें कैरी करने की ज़रूरत है, अगर आपके पास ये किंडल डिवाइस है, ठीक है, या ये टैबलेट है जिसमें हजारों लाखों बुक्स समा सकती हैं, ठीक है, तो आपको इतनी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस डिवाइस ने इसको क्या कर दिया है, ओबिविएट कर दिया है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपका पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइटनेस, मतलब अगर कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दिन के लिए, जैसे चिरस्थाई हम कहते हैं या निरंतर कह लें, ठीक है, तो अगर कोई वस्तु चिरस्थाई है, मतलब बहुत दिनों तक वो एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व तो बना रहता है काफ़ी समय तक, या कह सकते हैं अनंत काल तक, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड पेरेनियल का। पेरेनियल वर्ड का यूज़ एक जगह और किया जाता है, अगर कोई चीज़ हर साल रिपीट होती रहती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम वर्ड का यूज़ क्या करते हैं, पेरेनियल। तो दोनों ही अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा क्या लिखा है, फ्लडिंग इज़ पेरेनियल प्रॉब्लम फॉर पीपल लिविंग बाई द रिवर, कि जो भी लोग नदी के किनारे रहते हैं उनके लिए जो बाढ़ की समस्या है क्या है, पेरेनियल है, मतलब हमेशा से पहले से चली आ रही है और आगे भी ये चलती ही रहेगी, इसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है कि मिल नहीं पा रहा है कि इससे कैसे हम छुटकारा पा सकें, ठीक है। तो पेरेनियल का मतलब क्या है, चिरस्थाई, जो बहुत समय से बनी हुई है। सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं, एवर लास्टिंग, ठीक है, परपेचुअल, इटरनल या कॉन्टिन्यूंग, सब इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। जैसे सबका मतलब ये होता है चिरस्थाई या जो हमेशा से बने हुए हैं। और एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, अस्थाई का मतलब जो कुछ समय के लिए है, थोड़े दिन के लिए है, टेम्परेरी, या हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टरी, जो केवल कुछ क्षण के लिए ही वैलिड होता है, वो भी हो सकता है पेरेनियल का एंटोनिम्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एग्लिटेरियन। एग्लिटेरियन का मतलब क्या होता है, बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो लोग या जो भी व्यक्ति इस बात में विश्वास करता हो कि जो भी आदमी हैं, औरत हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, जो भी इंसान हैं, सबके इक्वल राइट्स हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, तो ऐसा जो लोग विचार रखते हैं या ऐसा जो लोग सोचते हैं उनको कहा जाता है एग्लिटेरियन। तो एग्लिटेरियन का मतलब समतावादी या समाधिकारी, जो सबके लिए समान अधिकार और समान अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ही वॉज अ सोशल एंड पोलिटिकल एग्लिटेरियन, मतलब वो क्या है, सामाजिक तौर के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी क्या है, एग्लिटेरियन, मतलब सबको मौका देने और सबके लिए समान अधिकारों की सोच वो रखता है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि एक आपका तराजू है, एक तरफ आपकी यहाँ पे और औरत का यहाँ पे साइन लिखा गया फीमेल्स के लिए और ये क्या है, मेल्स के लिए साइन है, और दोनों का पलड़ा क्या है, सेम लेवल पे है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, इक्वल हैं। ओके, हर एक लिहाज से, हर एक अधिकार में इक्वल हैं। तो इस तरह की जो सोच रखते हैं उनको क्या कहते हैं, एग्लिटेरियन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है, सेम्बलेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बींग सम वॉट लाइक समथिंग बट नॉट ट्रूली और फुली द सेम थिंग, मतलब जब आप किसी भी चीज़ का दिखावा करते हैं, एक्चुअली में वो चीज़ है नहीं, मतलब उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति की तरह या उस फीलिंग में या उस स्टेट में होने का केवल दिखावा अगर कर रहे हैं और उस स्टेट का कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम, सेम्ब्लेंस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है वर्ड क्या, दिखावा। अब यहाँ पे एग्जांपल पढ़िए तो समझ में आता है, ट्राई टू प्रोजेक्ट सम सेम्ब्लेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इवन दो पब्लिक स्पीकिंग टेरिफाइड हर, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है किसी भी लड़की के लिए कि वो कैसा कॉन्फिडेंस हो या कॉन्फिडेंस में रहने का दिखावा करे, सम सेम्ब्लेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं,
पब्लिक स्पीकिंग, अगर वो कहीं सभा में बोलने जा रही है 10 लोगों के बीच में, 20 लोग, 100 लोगों के बीच में, तो उसको इस बात से डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन वो अपने आप को कैसे दिखा रही है कि वो कॉन्फिडेंस में, उसे डर नहीं लग रहा है, जबकि ऐसी असलियत है नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पुराने अर्थों में सिम्बलेंस का यूज कैसे होता था, पुराने मतलब लगभग अगर मैं बात करूं 15वीं या 16वीं शताब्दी तक या उससे पहले, जो सेम्बलेंस वर्ड था इसका सीधा मतलब होता है रिजेंबल से। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी। तो पहले इसका वर्ड जो अर्थ होता था वो रिजेंबल होता था, लेकिन अब जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है इसमें इसका अर्थ बदल के अब क्या हो गया, दिखावा। मतलब जिसका अस्तित्व तो नहीं है उस तरह का अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो क्या है, सेम्बलेंस। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके गाइज या प्रिटेंस या फैकेट। सबका मतलब क्या होता है, दिखावा करना, ठीक है, या छुपाना किसी चीज़ को जो असलियत में है नहीं, जिसे आप सामने लाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सिमिलेंस के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, लाइकनेस या रिजेम्बलेंस। पहले रिजेम्बलेंस क्या होता था, इसका सिमिलेंस का सिनोनिम होता था, लेकिन अब एंटोनिम्स में आ गया है कि रिजेम्बल का मतलब क्या, कि जो चीज़ जैसे है उसको उसी तरह रिजेम्बल करना, मतलब उसी तरह प्रस्तुत करना, एकदम हूबहू कॉपी होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिमिलेंस का मतलब क्या है, ठीक उल्टे अर्थ में निकल के आता है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे हो नीचे तो क्या लिखा है, व्हाट इफ थिंग्स आर प्रिटेंडिंग टू वॉट दे रियली आर। मतलब यहाँ पे एक तरीके से दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है जो एक तरह का मुखौटा ओढ़ रहा है अपने ऊपर, मतलब वो अपने फेस को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जैसा फेस लोग देखना चाहते हैं या जैसा वो दिखाना चाहता है उस तरह का फेस अब ये लोगों को दिखाएगा, जैसा वो है उसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है, द एक्शन और फैक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, कि जब हम एकजुटता दिखाएं, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे देखिए तो हमारे हमारा जो देश है इसमें एकजुटता की कमी है, तो अगर हम एकजुटता दिखाएं तो क्या कहलाएगा, कोहेशन कहलाएगा, ओके। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, द वर्क एट प्रेजेंट लैक्स कोहेशन, कि अभी जो काम चल रहा है उसमें क्या है, एकजुटता की कमी है या एकता की कमी है। अगर वो काम एकजुटता से हो, एकता से हो, तो और अच्छा हो सकता है। तो कोहेशन का मतलब क्या हो गया, एकजुटता। ये जो भी वर्ड्स मैंने आपको यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ या पहले ही बता रहा हूँ, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके जो द हिंदू पेपर हैं इसके एडिटोरियल सेक्शन से लिए गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके तुरंत कल के ही एडिटोरियल सेक्शंस के वर्ड हों, मैं वर्ड्स खोजता हूँ जो भी एडिटोरियल वहाँ से मिलता है, वहाँ के जो भी वर्ड्स ऐसे निकल के आते हैं वो सारे मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और जैसे हमने क्लोज टेस्ट में देखा था कि बहुत सारे वर्ड जो हमने वोकेबलरी में पिछले 5-6 दिनों में पढ़े थे उसी में से बहुत सारे वर्ड हमको मिल गए थे, ठीक है। तो इसी तरह की हमारी कोशिश है कि इस तरह अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो अच्छी वोकेबलरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। मतलब अच्छे अच्छे जो शब्द होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो, या सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, यूनिटी, टुगेदरनेस, सॉलिडैरिटी या बॉन्ड। सबका मतलब क्या होता है, एकजुटता, एक साथ रहना। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, इनकोहरेंस, डिस्कॉर्ड या डाइवर्जेंस। सबका मतलब क्या होता है, अलगाव या बिखराव, ठीक है। तो ये इसके क्या हो सकते हैं, एंटोनिम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एक तरीके एकजुटता का ये साइन दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या वर्ड है, परपिट्रेट। परपिट्रेट का मतलब क्या होता है, समवन हु हैज़ कमिटेड अ क्राइम। मतलब अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, परपिट्रेट, ठीक है। और अगर यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे ई की जगह पे होता ओ आर, तो क्या हो जाता है, परपिट्रेटर। उसका मतलब क्या होता है, अपराधी, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना क्रिमिनल, तो क्रिमिनल का ही एक सिनोनिम बन जाता है क्या, परपिट्रेटर, मतलब अपराध करने वाला, ठीक है। तो ऐसे एक्स्ट्रा में आपको बता दिया है, अगर आपको समझ में आया तो याद कर सकते हैं इसे। तो परपिट्रेट का मतलब क्या होगा, अपराध करना। एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है, द अटैक वॉज परपिट्रेटेड बाई अ स्ट्रीट गैंग, कि ये जो अटैक हुआ था, जो भी हमला हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, ये जो क्राइम हुआ है किसके द्वारा अपराध हुआ है, स्ट्रीट गैंग, जो भी आपके स्ट्रीट गैंग्स होते हैं, मतलब जो भी सड़क छाप कह लीजिए, सड़क छाप जो भी आपके गुंडे मवाली लोग होते हैं उनके द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो परपिट्रेटेड का मतलब क्या, कोई भी अपराध को करना। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे कमिट, कैरी आउट या परफॉर्म, इसके हो सकते हैं सिनोनिम। परफॉर्म का मतलब ही करना होगा, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स मैंने ढूंढे थे, शायद मुझे मिले नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, ठीक है। और अगर आपको मिले इसके एंटोनिम्स तो आप पढ़
पढ़ सकते हैं खुद से भी, और कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे तो अच्छा होगा आगे आने वाले लोगों के लिए, वो भी देख लेंगे कि क्या हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र में क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे कोई है पर्सन या कोई लड़का कह लीजिए, लड़की कह लीजिए, कोई भी है, बताया क्या जा रहा है कि आई एम गोइंग टू स्टील एवरीबडीज चेंज, कि यहाँ पे जो भी आपके फुटकर पैसे रखे हुए हैं कह रहे हैं कि मैं इसे चुराने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है अपराध। ठीक है, मतलब ये एक क्राइम को कमिट करने वाला है, तो यहाँ पे यही एग्जांपल देके बताया गया, मतलब ये क्या है परपिट्रेट का एक एग्जांपल निकल के आता है, ये क्या होगा परपिट्रेटर जिसने अपराध को किया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हेटर्ड, मतलब जब आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा वैमनस्व रखे हैं, मतलब दुर्भावना रखें, घृणा रखें, बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक रखें, एक तरह की दुश्मनी की भावना रखें, तो उसे क्या कहा जाता है एनिमोसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा है, वी पुट असाइड आवर पर्सनल एनिमोसिटीज सो दैट वी कुड वर्क टुगेदर, कि कह रहे हैं कि हम अपनी जो पर्सनल एनिमोसिटीज़ हैं उनको, मतलब जो पर्सनल जो डिसलाइक्स हैं एक दूसरे के प्रति, उसको एक तरफ रखें जिससे कि हम साथ में काम कर सकें। अगर आपको किसी के साथ काम करना है तो ये ज़रूरी होगा कि उसके साथ आपकी हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब क्या कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए, मित्रता का भाव होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आप काम करने से ज़्यादा एक दूसरे की बुराई करने या झगड़ने में ही समय को व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके सिरोनिम्स क्या हो सकते हैं, एंटीपैथी, हॉस्टेलिटी, फ्रिक्शन या एंटेगोनिज्म, ये सब क्या हो सकते हैं, इसके सिरोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, गुडविल या फ्रेंडशिप, या हम कह सकते हैं हारमोनी भी कह सकते हैं, इसका क्या हो सकता है एंटोनिम्स हो सकता है। सबका मतलब क्या है, दोस्ती या प्रेम की भावना का होना। ओके, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि दो लोग, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये दोनों लोगों के बीच में एक तरीके क्या है एनिमोसिटी है, दोनों एक दूसरे के प्रति देख के कैसे क्रोध भरा चेहरा बना रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का डर, जैसे लिखा हुआ है एनैक्सिटी ऑफ फियर दैट समथिंग बैड और अनप्रेजेंट विल हैपन, जब आपको पता हो कि अच्छा ये अगर मैं करूँगा या अभी मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या कुछ ख़राब होने वाला है, तो ये जो आपकी फीलिंग होती है, ये जो आपकी अंदर की भावना होती है, यही क्या कहलाता है एप्रीहेंशन, एक तरह का डर है या एक तरह की शंका है कि आपको कुछ ना कुछ अभी बुरा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिखाया गया, द थॉट ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी फिल्स मी विथ एप्रीहेंशन, कि ये सोच कर ही कि अब हम नए शहर में जाने वाले हैं, ठीक है, क्या नए शहर में हम शिफ्ट हो रहे हैं, ये सोच कर ही वो क्या हो जा रहा है, डर से भर जा रहा है, शंका से भर जा रहा है कि अब नए शहर में जाएंगे तो क्या होगा, पता नहीं वहाँ पे हमको नए फ्रेंड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नए दोस्त, वहाँ का माहौल कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, तो क्या एक तरह का डर बैठ गया है आपके मन में। ठीक है, तो अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कुछ होने से पहले ही जब आपको पता लगे कि अब ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा, तो उसे क्या कहेंगे एप्रीहेंशन। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एनैक्सिटी, एंजस्ट, अलार्म, वरी या नर्वसनेस, सबका मतलब क्या होता है डर या शंका किसी भी तरह की, ठीक है, कि कुछ बुरा होगा। और इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंस, जब आपको एग्जाम क्या रहे कॉन्फिडेंस रहे, नहीं कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ क्या होगा हमारे साथ अच्छा ही होगा। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया क्या गया है कि ये आपका क्या है एक तरह का पोडियम है जहाँ पे माइक लगा हुआ है, ये आपकी लेडी हैं बोलने आने वाली हैं, तो देखिए इनको ये माइक या पोडियम कितना बड़ा लग रहा है, मतलब क्या है कि इनको बोलने से पहले ही यहाँ पे डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे जाकर के कैसे बोलूँगी, और अगर बोलूँगी भी तो सही होगा कि नहीं पता नहीं, लोगों को कैसा लगेगा, पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो इस जो अब इनके अंदर जो फीलिंग चल रही हो क्या कहलाएगी एप्रीहेंशन, इनकी फीलिंग हो जाएगी, मतलब इनको डर लगने लगे, शंका लगने लगे कि आगे अगर मैं बोलूंगी तो वो क्या होगा, ख़राब होगा या लोगों को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू और चित्र के थ्रू भी समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लेके आए थे, 10 वर्ड थे, और अगर आपने इस वीडियो को 102 बार देख लिया और जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हुए हैं और आप खुद से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं इनके एग्जांपल्स के थ्रू, तो आपको ये वर्ड्स हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। कहीं भी आपको फिर से अगर ये इनकाउंटर होते हैं कहीं पर भी इंग्लिश पढ़ते समय एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर करिए जिससे उनको भी पता चले कि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरे द्वारा जो आपको वीडियोज़ दी जा रही हैं डेली वो आपको मिलती रहें डायरेक्ट, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी जो प्रिपरेशन है और भी अच्छी
हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।